What's up guys, कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में Vivo Y95 का कैमरा सेटिंग्स। जी हाँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, देखिए Vivo Y95 में पूरी तरह का प्रोफेशनल मोड दिया है, मतलब कि टोटली प्रोफेशनल मोड, मैनुअल मोड में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारा फीचर्स Vivo ने दिया है। तो ये एक बात मुझे वेरी सरप्राइजिंग लगा, बजट फ़ोन होते हुए भी अंडर 15,000 रुपीज़ आपको प्रोफेशनल मोड मिलता है, वो भी इसमें शटर स्पीड देखिए 1/12,000 ऑफ ए सेकेंड एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 16 सेकेंड्स। मतलब कि आप कैसे भी लाइटिंग सिचुएशन में अगर आप अच्छी तरह से इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स निकालना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या सिचुएशन में कैसे सेटिंग्स रखना है एंड क्या क्या सेटिंग्स है ये सारे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो अगर आप शेयर करके लाइक पर ठोके तो हेल्प होगा, सपोर्ट होगा हमारे चैनल को। तो देखिए ये है Vivo Y95 का यूज़र इंटरफेस कैमरा का। तो सबसे पहले हम टेक फोटो मोड पर चलेंगे। तो इस वीडियो में मैं टेक फोटो मोड एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप डिफरेंट स्टाइल से पिक्चर्स ले सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में फुल प्रोफेशनल मोड देखेंगे क्योंकि यही वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो प्रोफेशनल मोड देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में कैसे आप टेक फोटो जो कि डिफ़ॉल्ट मोड रहता है इसमें ही कैसे आप अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं पिक्चर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग्स है, तो इस सेटिंग्स को हम ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, 19:9, 16:9 एंड 1:1। तो कौन सा एस्पेक्ट रेशियो कब यूज़ करना है, तो सबसे पहले 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, मतलब कि 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा है अगर आप इसका 13 मेगापिक्सल में ही लेना चाहते हैं पिक्चर्स तो 4:3 रखना है आपको। ये सारे चीज़ में आपको डाउनग्रेडेड रेजोल्यूशन इमेजेस मिलेंगे, मतलब कि इमेज साइज रिड्यूस होगा, तो इसके वजह से 4:3 13 मेगापिक्सल फुल कैप्चर करेगा। नेक्स्ट वन 19:9, जैसा कि नाम है फुल स्क्रीन में आपको पिक्चर्स मिलेंगे। जैसे कि ये कब यूज़ करना है, मान लीजिए अगर आप कुछ फ्लावर्स का हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स आप अपने मोबाइल में देखते हैं तब क्या कीजिएगा, आप 19:9 एस्पेक्ट रेशियो में लेंगे तो आपको फुल स्क्रीन मिलेगा, आप वॉलपेपर भी रख सकते हैं भैया। तो देखिए वॉलपेपर ऐसे रख सकते हैं विच इज़ रियली नाइस। तो डायरेक्टली ऐसे क्रॉप करके साइज को चेंज करके ऐसे कुछ भी करने का नहीं रहता है, तो ऐसे कुछ टेक्स्चर बन गया जस्ट एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ का। तो देखिए टेक्स्चर बन गया ना, तो अभी यही वॉलपेपर रख सकता हूँ। तो ऐसे वॉलपेपर्स रखने के लिए फ्लावर्स का हो, लीव्स का हो या कैसे भी सीन्स का हो, डायरेक्ट मोबाइल में वॉलपेपर रखने के लिए आप 19:9 एस्पेक्ट रेशियो में खींच सकते हैं। नेक्स्ट है 16:9, ये देखिए ज़्यादातर अगर आप कंप्यूटर के मॉनिटर पर व्यू कर रहे हैं पिक्चर्स को तभी जाकर आप 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर करें, या फिर अपने दूसरे मोबाइल में आप व्यू करते हैं उसमें 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वो स्क्रीन है तब जाकर आप 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर कर सकते हैं। बेसिकली 19:9 से ज़्यादा रेजोल्यूशन आपको 16:9 में मिलेगा, वो एक बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1:1 एस्पेक्ट रेशियो, जैसा कि नाम है स्क्वायर, 1:1 एस्पेक्ट रेशियो मतलब स्क्वायर इमेजेस मिलेगा। तो जैसे ही आप कैप्चर करते हैं विदाउट इवन क्रॉपिंग आप सीधा इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे शेयर करने के लिए इंस्टेंटली ऑन इंस्टाग्राम हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया आप इस 1:1 एस्पेक्ट रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा 1:1 तो हम इंस्टाग्राम पर ही शेयर करते हैं, तो क्विकली बिना कोई क्रॉप किए या फिर कट हुए फ्रेम में आप इंस्टेंटली 1:1 एस्पेक्ट रेशियो को रख कर कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो चार ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट है टाइमर, आई थिंक टाइमर रिलेटेड बताना ज़रूरत नहीं, टाइमर ऑफ 3 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के बाद क्लिक करेगा पिक्चर बस। नेक्स्ट टच वॉइस पाम, इसको कैसे यूज़ करें, देखिए टच है, नाम ही टच है, मतलब क्या मैं ऐसे टच करता हूँ तो एक्सपोजर चेंज करके फोकसिंग करके अपने आप कैप्चर कर लेगा पिक्चर को। देखिए अभी तो ऑटो फोकस हो रहा है ना, अगर समझ लीजिए कि ठीक से आपको फोकस नहीं लग रहा है, डार्क लग रहा है पिक्चर, तो क्या कर सकते हैं आप, जस्ट टैप टू फोकस एंड फोकस होने के बाद क्लिक भी कर देगा आपको। तो ऐसे ऑटोमेटिक क्लिक करने के लिए टच यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वॉइस यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चीज़ बोल रहा है, चीज़ बूम देयर यू गो, देखिए चीज़ बोलते ही पिक्चर कैप्चर कर लिया। तो ऐसे वॉइस यूज़ कर सकते हैं बिना कोई हाथ आप यूज़ करें। नेक्स्ट है पाम, तो स्क्रीन पर अगर आप पाम दिखाएंगे तो कैप्चर करेगा पिक्चर्स को। तो आई थिंक देखिए टच एंड वॉइस ये दोनों बहुत ही यूज़फुल फीचर है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। तो नेक्स्ट है फ़ोन स्टोरेज SD कार्ड, जैसा कि नाम है अगर आप कार्ड डालेंगे तो SD कार्ड पर सेव करना है पिक्चर्स को, तो यहाँ पर चेंज करना है सेटिंग्स। वैसे ही नेक्स्ट है टाइम वाटरमार्क, मॉडल वाटरमार्क, तो इसमें एक्चुअली वाटरमार्क चेंज नहीं कर सकते हैं विच इज़ अनफॉर्चुनेट, बट स्टिल टाइम स्टैम्प अगर चाहते हैं कब लिया है फोटो देखने के लिए तो टाइम स्टैम्प आप रख सकते हैं, अदरवाइज मॉडल वाटरमार्क है या फिर दोनों भी आप रख सकते हैं। मॉडल वाटरमार्क अगर रखेंगे ना
तो आपको यहाँ पर शॉट ऑन वीवो Y95, शॉट ऑन Y95 वीवो ड्यूअल कैमरा करके आता है। तो ऐसे वाटरमार्क है, आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही जियोग्राफिक लोकेशंस देखिए, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपको याद रखना है कि वहाँ पर आपने पिक्चर कैप्चर किया था, तो वैसे समय में अगर आप जियोग्राफिक लोकेशंस को ऑन करके रखेंगे तो बहुत ही हेल्प होगा। जब आप घर आएंगे, पिक्चर्स देखते होंगे, तभी आपको पता चलेगा हाँ यहीं पर मैंने पिक्चर लिया था, तो वहाँ पर आपका लोकेशन भी टैग होगा, विच इज़ रियली नाइस। तो ऐसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेमिंग लाइन्स। जैसा कि नाम है फ्रेमिंग लाइन्स, मतलब कि ये जो ग्रिड लाइन्स आप देख रहे हैं ये है फ्रेमिंग लाइन्स, मतलब फ्रेमिंग बनाने के लिए कैसे भी आप पिक्चर्स कैप्चर करें। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऐसे बताया हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फ्रेमिंग करें, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर लेवल होना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट अपना हो, अगर ये सब्जेक्ट मिनियन का सब्जेक्ट है तो इस चीज़ को कैसे हम स्ट्रेट रखकर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कैसे कैप्चर करें, ये वाला आप इस रेफरेंस को यूज़ करके देखिए कितना प्रोफेशनल लुकिंग पिक्चर आता है ना। तो ऐसे अगर आप लेना चाहते हैं तो इस चीज़ को हमेशा एनेबल करके पिक्चर्स लेना है। तो इतने सारे सेटिंग्स में है यहाँ पर। यह है पोर्ट्रेट फ्रेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके पोर्ट्रेट शॉट्स अगर लेंगे किसी पर्सन का तो हमेशा इस चीज़ को ऑन कीजिएगा। एंड बेस्ड ऑन दैट स्किन टोन हो या फिर कलर हो, स्पॉट्स रिमूवल हो, ऑटोमेटिकली करके आपको एक बढ़िया इमेज देगा। वैसा ही AI सीन आइडेंटिफिकेशन, इस चीज़ को आप हमेशा ऑन भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सीन हो, जब भी आप कैप्चर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकॉग्नाइज करके वो कैसे आप पिक्चर्स ले रहे हैं उसको थोड़ा एनहेंस करके, थोड़ा सैचुरेट करके आपको अच्छा दिखने का ऐसे पिक्चर्स को चेंज करेगा। तो इसके वजह से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पिक्चर्स में टू मच सैचुरेशन आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को आप डिसेबल करके भी कैप्चर करके देखें कि वो चेंज होता है या नहीं। वैसा ही नेक्स्ट लाइव फ़ोटो है यहाँ पर। जस्ट लाइव फ़ोटो मतलब क्या, अगर कुछ वहाँ पर बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तो उसका आप कैप्चर करना चाहते हैं तो जस्ट एक बार कैप्चर कर दीजिए एंड प्रोबेबली 2 to 3 seconds का लाइव फ़ोटो। ऐसे टैप एंड होल्ड करूँगा, देखिए इंक्लूडिंग ऑडियो वो रिकॉर्ड करता है। तो वेरी नाइस फीचर। अगर अपने फ्रेंड्स भी वीवो फोन्स यूज़ करते हैं तो आप उनको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं एंड सुन सकते हैं कि वो क्या बोल रहे थे वो पिक्चर लेते वक्त, वैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट बोके, डेडिकेटेड पोर्ट्रेट बोके है वीवो Y95 में। जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना ब्लर कर सकते हैं आप, टैप टू फोकस यूज़ करें हमेशा एंड बैकग्राउंड देखिए कितना ब्लर हुआ है। तो ये वाला जो स्लाइडर दिख रहा है आपको, ऐसे चेंज करना है आपको। तो जैसे आप चेंज करते जाएंगे, जैसे नंबर बढ़ाएंगे उतना शार्प मिलेगा, जैसे आप नंबर कम करेंगे उतना बैकग्राउंड ब्लर होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखकर पिक्चर्स को कैप्चर कीजिएगा कैसा भी इमेजेस हो। देखिए अभी F1.4 में है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंस कैसे आता है। F1.4 पर देखिए ये जो सिर्फ सामने का है वो फोकस है, बाकी सब तो ब्लर है ना बैकग्राउंड। तो इतना ही जो डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करके फोकस ला सकते हैं एंड बैकग्राउंड, तो यहाँ तो मिनियन का देखिए कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो इतना बैकग्राउंड ब्लर होता है। अभी चलिए इसको चेंज करके, F1.4 को चेंज करके मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ इस F1.4 को, लेट्स से कि F4 या फिर F5.6 पर लेता हूँ तो कैसे आता है इमेज, लेट्स सी। तो देखिए F5.6, हाँ, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं इवन दिस साइड ऑफ द फ्रेम भी फुल शार्प है। तो इसके बाद जो है वो ब्लर हुआ है, लेकिन इतना भी ब्लर नहीं जितना कि प्रीवियस इमेज में था, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे अगर ब्लर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट बोके यूज़ करके कर सकते हैं। अगर पीछे कोई लाइट था, LED लाइट्स, तो बहुत ही अच्छा ब्लर बोके मिलेगा आपको LED लाइट्स का, तो ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट बोके पर टैप करेंगे तो बाद में भी टैप टू फोकस करके शार्प बनाकर जितना नंबर चाहिए उतना नंबर आप चेंज करके बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, विच इज़ रियली ऑसम। सभी वीवो फोन्स में देते हैं फीचर विच इज़ वेरी नाइस। तो ऐसे आप पोर्ट्रेट बोके को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है HDR। आई थिंक मैं बहुत सारे वीडियोस में मेरे बताया हूँ कि HDR क्यों यूज़ होता है, आई थिंक बताने की ज़रूरत भी नहीं अभी। तो HDR को कब यूज़ करना है, यूजुअली लैंडस्केप मोड अगर ले रहे हैं लैंडस्केप पिक्चर्स, तो हमेशा HDR को ऑन करके आप लीजिएगा, थोड़ा अच्छा पिक्चर्स मिलेंगे आपको इन ब्रीफ कहूँ तो। नेक्स्ट है फ्लैश ऑफ एंड ऑन एंड ऑटो। तो बस इतने सारे, बस क्या इतने सारे, ढेर सारे सेटिंग्स आपको सिर्फ डिफ़ॉल्ट मोड में मिल रहा है। एंड यहाँ पर तो फिल्टर्स है, अच्छे अच्छे फिल्टर्स आप यूज़ करके देखिए कितना सॉफ्ट मिस्टी
मोड यहाँ पर दिखाई देता है। वैसे सॉफ्ट लुकिंग इमेजेस आप ले सकते हैं। तो ऐसे सारे फीचर्स है वीवो Y95 में, बहुत सारे अच्छे फीचर्स दिए हैं इवन बजट प्राइस होते हुए भी। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करके अच्छे अच्छे पिक्चर्स निकालिएगा। तो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, अगर है तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोफेशनल मोड बताता हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच दैट वीडियो। फुल प्रोफेशनल मोड कैसे यूटिलाइज करें वो एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।